टाउन स्क्वायर में लिविंग स्टैचू के रूप में काम करने वाला एक आदमी घंटों से बिना हिले खड़ा है। वो हिल नहीं सकता क्योंकि उसके बिल्कुल सामने एक जॉम्बी खड़ा हुआ है और वो उसे घूर रहा है। किसी कारण सब कोई जॉम्बी बन चुके हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं और अब चारों ओर नरक बन चुका है और पूरा शहर का चप्पा चप्पा जॉम्बी से भर चुका है। जॉम्बी आक्रामक रूप से जिंदा लोगों पर झपटते हैं और उन्हें जिंदा खा जाते हैं। पूरी जगह खून और लाशों से लदी हुई है। एक जॉम्बी जिंदा गोल्डन बालों वाले स्टैचू की आंखों में घूरना जारी रखता है। वो जितना हो सके उतना बिना हिले खड़ा है और इस फैक्ट के बारे में सोचता है कि उसने शायद 5 मिनट से सांस नहीं लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बस बेहोश होने वाला है। वो मुश्किल से ध्यान देने बराबर सांस लेता है लेकिन उसका स्टील शरीर धीरे धीरे अपनी धीरेता खोने लग गया है। उसके पैर में ऐठन हो रही है, उसके सुन हाथ पहले से ही कांप रहे हैं और सबसे बुरी बात यह है कि उसके नाक में खुजली हो रही है। चिंता के मारे पसीने की एक बूंद धीरे धीरे उसके शरीर से नीचे गिरती है। अचानक पास में मौजूद कुछ जॉम्बी एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसके चिल्लाने की वजह से जॉम्बी अट्रैक्ट हो जाता है। इतने लंबे टाइम के बाद उसने सांस ली और अपने पैरों को हिलाया और अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बदलने का मौका मिलता है और जब लास्ट आदमी के पैरों के पास आके गिरती है वो इससे देख नहीं पाता और डर के मारे अपनी पैंट में ही पेशाब कर देता है। इस बीच जॉम्बी शिकार के टुकड़े टुकड़े करते हैं और खून और रतनियाँ सभी डायरेक्शन में उड़ती है और उनमें से एक उसके कंधे पे आके गिरती है। उस समय वो शॉक हो जाता है और बिना हिले खड़े रहने के लिए संघर्ष करता है। अचानक उसके गाल फूल जाते हैं और उसके मुंह में उल्टी भर जाती है लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है इसलिए वो अपनी उल्टी वापस निगल लेता है। वो बीमार हो जाता है और किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को फोकस करता है। वो चारों ओर अच्छी तरह से देखने का फैसला करता है और देखता है कि उसके साथी कैसे कर रहे हैं। मीरा जोकर बाटरी दुर्भाग्य से बच नहीं पाया। उसने अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन जॉम्बीज की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। लेकिन ब्लैक बैंडित व्हील बैरो मैन बिल्कुल ठीक है। इतना ही नहीं, वो कछुए की स्पीड से अपने ठेले को चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके दूर पहुंच जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने साथी के लिए खुश है और उसकी सफलता की कामना करता है लेकिन फिर कहीं से दो जॉम्बी दिखाई देते हैं जो किसी के कटे हुए सिर के लिए लड़ते हैं। सिर उनके हाथ से निकल के ठेले में गिरता है, हिलता डुलता है और अभी भी जिंदा है। बेचारा व्हील बैरो वाला आदमी अपनी उल्टी रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अंत में उल्टी हो जाती है। जॉम्बी चारों ओर घूमते हुए ठोकर खाने वाले शिकार को देखते हैं और उस पर बेरहमी से झपटते हैं। उसने विरोध करने के लिए कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने दोस्त की शर्मनाक हार को देखकर आदमी मुश्किल से ध्यान देने योग्य आंसू बहाता है और जब सारे जॉम्बी उसके दोस्त को खाने में बिजी थे तब हमारा नायक बचने के लिए सिचुएशन का यूज़ करने का फैसला करता है। वो आदमी अपनी हिम्मत जुटाता है और खुद को बोलता है कि वो आज मरने नहीं वाला है। सीढ़ियों से नीचे कूदता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। एक जोर की आवाज़ आती है और उसके बाद पूरे ग्रुप का ध्यान अट्रैक्ट करता है और वो फिर उस आदमी का पीछा करने में संकोच नहीं करते। धीरे धीरे घूमते हुए वो एक गली में आ जाता है लेकिन जॉम्बी फिर भी उसका पीछा करना जारी रखते हैं। वो अपनी फुटप्रिंट्स को छिपाने की कोशिश करता है, ब्लॉक के चारों ओर घूमता है और कोने में मुड़ते हुए एक कंक्रीट की सीढ़ी के नीचे छिप जाता है। जॉम्बी धीरे धीरे वहाँ से गुजरते हैं और हमारा नायक सावधानी से सीढ़ियों के नीचे से बाहर निकलता है ये सोचकर कि उसने सभी को पछाड़ दिया है और वो वास्तव में अपनी किस्मत पर खुश होता है और रोबोट जैसे जीतने की खुशी में नाचता है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके डांस ने जॉम्बीज की एक नई और बड़ी भीड़ को अट्रैक्ट किया है जिससे उसका बचना नामुमकिन है।